अब अपन गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन को अपन क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब इसकी परिभाषा बताते हैं आपको। सबसे पहले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। परिभाषा हो गई। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। ये बीजांड का आय है, क्या है? ये बीजांड है, बीजांड के सदस्यता अपन ने पढ़ ली है। ये बीजांड है, ठीक है। इस बीजांड का आय है, इस बीजांड का आय का क्या होता है? एक स्तर है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस स्तर। क्या है? बीजांड का आय का एक स्तर है जिसका नाम होता है हाइपोडर्मिस स्तर। हाइपोडर्मिस स्तर यह हाइपोडर्मिस स्तर है बीजांड का आय का, जिसको कहते हैं अधिस्तर। क्या कहते हैं? अधिस्तर। हाइपोडर्मिस स्तर की कोशिका होती है, कोई भी एक कोशिका क्या करती है, थोड़ा भोजन का संग्रह करती है। हाइपोडर्मिस स्तर की कोई भी एक कोशिका भोजन का संग्रह करती है, थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है, भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है और थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं प्रसूतक कोशिका। क्या कहते हैं? प्रसूतक कोशिका। आर्कियोस्पोरियल सेल, इसका नाम होता है प्रसूतक कोशिका को आर्कियोस्पोरियल सेल, प्रसूतक कोशिका। अब इस प्रसूतक कोशिका का विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है और दो कोशिका बनती है। एक कोशिका को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका होती है उसका नाम होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। इस प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसी का नाम क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका का नाम है। ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका तो आगे भित्ति के निर्माण में चली जाती है, इसको छोड़ो। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है, इसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसका होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होगा इसका? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसका कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होते ही बनेंगे गुरु बीजाणु। क्या बनेंगे? ये गुरु बीजाणु बन गए। तो इस तरह से गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। तो गुरु बीजाणु का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बने हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु बने हैं, ये कौन से विभाजन से बने? अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री प्रथम होता है वो न्यूनकारी होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n से क्या हो जाती है? n। और यहां पे भी n। ये चार गुरु बीजाणु बनते हैं। चारों गुरु बीजाणु ऐसे एक सीधी पंक्ति में होते हैं। कैसे होंगे? एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। चारों गुरु बीजाणु एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हैं। तीन गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। चारों गुरु बीजाणु ऐसे एक पंक्ति में व्यवस्थित हैं। तीन गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एक गुरु बीजाणु बचता है। ये गुरु बीजाणु क्या कहलाता है? सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या कहलाता है? सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है? ये आगे बीजांड का निर्माण करेगा। क्या करेगा? ये आगे बीजांड है उसमें भ्रूण कोष का निर्माण करेगा। क्या करेगा? भ्रूण कोष का, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा। तो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा। तो इस तरह से गुरु बीजाणु जनन पूरा हो गया है। कि भाई गुरु बीजाणु जनन में सवाल आपसे पूछूंगा मैं, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखना कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु में से कौन सी कोशिका अवगुणित होती है और कौन सी कोशिका
द्विगुणित होती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है ये प्रसूतक कोशिका द्विगुणित है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका मैं बताऊंगा नहीं, अब उत्तर पता चल जाएगा, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका को भी कहते हैं। इसका अर्धसूत्र विभाजन होता है और चार आगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सी कोशिका होती है वो आगुणित होती है, कौन सी द्विगुणित। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं, इस क्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। आपने क्या देखा, ये हाइपोडर्मिस स्तर है जो ये बीजांड काय है, बीजांड काय का जो हाइपोडर्मिस स्तर है, बीजांड काय का जो हाइपोडर्मिस स्तर है उसकी कोई भी ये कोशिका भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है और आकार बड़ी हो गई, उसका नाम होता है प्रसूतक कोशिका। प्रसूतक कोशिका का परिणत विभाजन होता है और दो कोशिका बनती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है और बनते हैं चार गुरु बीजाणु। चारों एक सीधी पंक्ति व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार ये चारों में से तीन नष्ट हो जाएंगे, तीन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक पीछे बचेगा उसको कहेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु। ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करेगा, मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है और भ्रूणकोश का निर्माण करेगा, इसका निर्माण करेगा, भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये जो तीन कोशिकाएं नष्ट होती है ये एक्चुअल में क्या करती है, इस गुरु बीजाणु को भोजन प्रदान करती है, क्या करती है, गुरु बीजाणु को भोजन प्रदान करती है। बच्चों टॉपिक लेके आए यहां पर मादा युग्मोद्भिद का विकास, किसका, मादा युग्मोद्भिद का विकास। मादा युग्मोद्भिद मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद का विकास। अगर आपको साफ नहीं दिखता तो आप फॉर्म की थोड़ी ब्राइटनेस है उसको तेज कर लेना बिल्कुल, और क्लियरिटी है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या है 1080 पे लेके चले जाना, आपको बिल्कुल अक्सर साफ दिखेंगे। नेट तो आपका खर्च होगा थोड़ा, लेकिन आपको क्या है पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा। तो मादा युग्मोद्भिद का विकास में आपको ऐसे समझना है कि जो गुरु बीजाणु है, सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। सबसे पहले आप बताओगे सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। सक्रिय गुरु बीजाणु जो बना था गुरु बीजाणु जनन से, ये मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। ये मादा युग्मोद्भिद विकास की कैसी कोशिका है, प्रथम कोशिका है। सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु, ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है, भोज्य पदार्थ का संग्रह करेगा, क्या करेगा, भोज्य पदार्थ का संग्रह करेगा और आकार में बड़ा हो जाएगा। इसका नाम होगा भ्रूणकोश मात्र कोशिका, इसका नाम क्या होगा, भ्रूणकोश मात्र कोशिका, प्राथमिक भ्रूणकोश मात्र कोशिका, इसका नाम होगा प्राथमिक भ्रूणकोश मात्र कोशिका। पहले इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनेगी, पहले इसमें छोटी छोटी क्या बनेगी, रिक्तिकाएं बनेगी, फिर रिक्तिकाएं आपस में संयुक्त होगी और एक बड़ी रिक्तिका बन जाएगी। तो जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु है ये मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है, ये भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं और आकार बड़ी हो जाती हैं। इसका नाम होता है प्राथमिक भ्रूणकोश, प्राथमिक भ्रूणकोश मात्र कोशिका। पहले इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती है, पहले इसमें कैसी रिक्तिकाएं बनती हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती हैं जो आपस में संयुक्त होकर बड़ी रिक्तिका बना लेती है, जो आपस में संयुक्त होकर क्या करती है, बड़ी रिक्तिका बना लेती है। अब अपन कहते हैं कि इसमें केंद्रक है, इसमें क्या है, ये केंद्रक है, केंद्रक है। इसका तीन बार समसूत्री विभाजन होता है, पहली बार केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा, पहली बार केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा और दो केंद्र, पहली बार केंद्रक का क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और केंद्रक के समसूत्री विभाजन से आपको बताना है, ये नाम याद रखना समसूत्री, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है समसूत्री होता है कि अर्धसूत्री होता है, तो बिचारी आगुणित है कैसे अर्धसूत्री होगा और क्या करेंगे, समसूत्री होगा आगुणित का फिर अपन क्या करेंगे और क्या अध्ययन करेंगे क्या, तो समसूत्री ही होगा, क्या होगा, समसूत्री होगा। तो दो केंद्रक बनेंगे, तो केंद्रक बनेंगे इसमें जो केंद्रक है उसका तीन बार समसूत्री विभाजन हुआ, पहली बार समसूत्री विभाजन दो केंद्रक बने, दोनों केंद्रक ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, कितने केंद्रक बने बच्चों, दो, कितने बने, दो केंद्रक बने, दोनों केंद्रक कहां चले गए,
ध्रुवों की ओर चले गए। दोनों केंद्र कहां चले गए? ध्रुवों की ओर चले गए। इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्र। ध्रुव की ओर चले जाएंगे, विपरीत ध्रुव की ओर, तो इनका नाम हो जाएगा ध्रुवीय केंद्र। हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। तो अब इसका फिर दूसरी बार समसूत्री विभाजन होगा। कितनी बार होगा? दूसरी बार। और कितने बनेंगे? दो से चार। कितने बनेंगे? फिर तीसरी बार समसूत्री विभाजन होगा। तीसरी बार क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। तीसरी बार समसूत्री विभाजन हुआ और कितने केंद्र बन गए? आठ। कितने बन गए? आठ बन गए। दोनों ध्रुवों पर बताओ कितने कितने केंद्र गए? चार। कितने हैं? दोनों ध्रुवों पर चार केंद्र गए। फिर अभी तक इन केंद्र के चारों कोशी का भित्ति नहीं बनी है, ठीक है। अब एक एक ध्रुवीय केंद्र मध्य की ओर आता है। एक एक ध्रुवीय केंद्र कहां आएगा? मध्य की ओर आएगा। एक एक ध्रुवीय केंद्र मध्य की ओर आएगा। आ गया मध्य की ओर एक एक ध्रुवीय केंद्र। अब ध्रुवों पर कितने कितने केंद्र बचे? तीन तीन। ध्रुवों पर कितने कितने केंद्र बचे? तीन तीन केंद्र बचे। केंद्र आप उन्हें ध्यान रखना। अब क्या होगा? इनके चारों कोशिका भित्ति बनेगी। इनके चारों क्या बनेगी? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। इनके चारों पैसे कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। और कोशिका दर भी फिटा होगा और इनके चारों कोशिका भित्ति बन जाएगी। इनके चारों क्या बनेगी? कोशिका भित्ति बनेगी। और क्या होगा? ये अब बीच में जो ये दो केंद्र है वो आपस मिलेंगे और क्या बनाएंगे? एक केंद्र बन जाएगा। तो इस तरह से ये भ्रूण कोष बन गया। क्या बन गया? ये भ्रूण कोष। इस भ्रूण कोष को अपन क्या कहते हैं? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष कहते हैं। इसमें सात कोशिका है। कितनी है? सात कोशिका है और आठ केंद्रक है। कितने केंद्रक है? सात कोशिका है और आठ केंद्रक है। तीन कोशिका प्रतिमुखी है जो कि नींव भाग की ओर है। तीन कोशिका प्रतिमुखी है, ये तीनों कोशिका जो नींव भाग की ओर है। तीन कोशिका है वो अंड समुच्चय है। अंड समुच्चय में दो कोशिका तो है सहायक। दो कोशिका क्या है? सहायक है। दो कोशिका क्या है? सहायक है। और एक कोशिका क्या है? अंड कोशिका। और बीच में एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र है। बीच में एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र है जो कि द्विगुणित द्वितीयक केंद्र है वो 2n है। क्या है? दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बना है। बाकी सब क्या है? अगुणित है। ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, हैप्लोइड है। क्या है? तो ये इस प्रकार से मादा युग्मोद्भिद का विकास हो गया है। तो मादा युग्मोद्भिद का विकास में आप बताओ कि सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका। ये मादा युग्मोद्भिद विकास हुआ किससे स्टार्ट हुआ? सक्रिय गुरु बीजाणु से। सक्रिय गुरु बीजाणु ने किसका संग्रह किया? भोज्य पदार्थ का। आकार बड़ी हो गई, इसका नाम हो गया प्राथमिक भ्रूणकोष मात्र कोशिका। ये आगे भ्रूणकोष बना है, ये भ्रूणकोष मात्र कोशिका। पहले इसमें छोटी छोटी रिक्तिका बनी है। पहले इसमें क्या बनी है? छोटी छोटी रिक्तिका। फिर आपस में रिक्तिकाएं संयुक्त हुई, एक बड़ी रिक्तिका बन गई। केंद्र परिधि भाग में है। इसका तीन बार, कितनी बार? तीन बार समसूत्री विभाजन होता है। पहली बार समसूत्री विभाजन से दो केंद्रक बनते हैं, दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर विभाजन होता है, दो केंद्रक से चार हो जाते हैं, चार से आठ हो जाते हैं। तीसरी बार समसूत्री विभाजन से फिर उसके बाद एक एक केंद्रक होता है, बीच में आता है और एक केंद्रीय कोशिका बनाता है, सेंट्रल सेल बनाता है। सेंट्रल सेल का नाम होता है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। ये क्या है? ये कोशिकाएं हैं इस तरह से। तो आपने इसको देखा कि भाई किस तरह से क्या घटनाएं हुई हैं। आपको ये सारी घटनाएं याद रखनी है। नाम मैंने प्रतिमुखी कोशिका, अंड कोशिका सब बता रखे हैं। तो आपको इस तरह से ये मादा युग्मोद्भिद का विकास याद करना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।